Subscribe and press the bell icon. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रीति रेसिपी ब्लॉग। आज मैं आप सबको एक ऐसा ब्रेकफास्ट दिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी है और बच्चों के टिफिन के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है क्या और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सबसे पहले मैंने व्हाइट ओट्स लिया है फ्रेंड। ये देखिए, मैंने सफोला का ओट्स लिया है, करीब एक कटोरी के करीब मैंने ये व्हाइट ओट्स लिया है। आप इंग्रेडिएंट्स अपने फैमिली के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने एक कटोरी सफोला का व्हाइट ओट्स लिया है। उसके बाद मैंने प्लेन दलिया लिया है, जो इस तरह का आता है फ्रेंड। प्लेन दलिया मैंने एक कटोरी लिया है। चने की दाल मैंने ली है हाफ कटोरी। आप देख सक रहे हैं, मैंने ये मिक्सचर सब एक साथ रखा है अभी मिक्स करने के लिए। एक कटोरी मैंने चने की दाल लिया है। उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स लिया है मैंने। ये देखिए फ्रेंड, कॉर्नफ्लेक्स मैंने करीब एक बड़ी कटोरी कॉर्नफ्लेक्स लिया है। उसके बाद मैंने चावल लिए हैं, गोविंद भोग जो चावल आता है, व्हाइट चावल छोटे दाने वाले, वो मैंने चावल लिया है करीब हाफ कटोरी। उसके बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है सूजी। सूजी मैंने लिया है करीब एक से डेढ़ कटोरी सूजी मैंने लिया है। और इन सबको मैं अभी मिक्स करूंगी। तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो है कॉर्नफ्लेक्स, सूजी, व्हाइट ओट्स, दलिया, चने की दाल और चावल। तो इन सबको मैं अभी मिक्सर ग्राइंडर में डालूंगी और इसका पाउडर बनाऊंगी। उसके बाद इसमें मैं प्याज, गाजर, मिर्ची, जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो, बीन्स, कैप्सिकम, सबको चॉप्ड करके इसमें हम मिलाएंगे। तो चलिए इसको हम पाउडर बना लेते हैं। तो इसको आपको सबसे पहले मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसी तरह का आपको पाउडर बनाना है पूरे मिक्सर का। ये देखिए, इस तरह से मैंने पाउडर बनाया है। उसके बाद इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। इन सबको मिक्स कर दीजिए और उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे और पानी की सहायता से हल्के हल्के पानी देते हुए इससे इसका बैटर बनाएंगे। तो फ्रेंड, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालें। थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा ब्लैक पेपर। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद पानी की सहायता से इसका बैटर बनाएंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। बच्चे क्या होते हैं, ये सब जो है ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब खाना पसंद नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे। तो मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से सप्ताह में एक बार, वीकली एक बार मैं ये बनाकर देती हूँ और सारे जितने भी दाल चावल है सब मिक्स कर देती हूँ और साथ ही साथ ओट्स डालती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स डालती हूँ, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो भी आप दे सकते हैं। अभी हल्की गर्मी आ चुकी है इसलिए मैं ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स नहीं कर रही हूँ। अब इसमें हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आप इसमें चाहें तो बेसन भी मिला सकते हैं। मैं बेसन पसंद नहीं करती इसलिए बेसन इसमें नहीं डाल रही हूँ। और मिलाते हुए इसका बैटर बनाइए, उसके बाद हम इससे पराठे बनाएंगे।
ओके फ्रेंड, इसे मैंने अच्छी तरीके से घोल लिया है। घोल की कंसिस्टेंसी जो है आपको ऐसी रखनी है, ना ज्यादा पतला रखना है ना ज्यादा गाढ़ा रखना है। आपको इस तरह का रखना है कि पराठे आराम से सिक सके। अब इसे मैं सरसों तेल में अच्छी तरीके से फैलाऊंगी तवे पे। तो तवा को हम गरम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने तवा गरम कर लिया है। मैंने नॉन स्टिक का तवा लिया है जिसमें तेल बहुत कम यूज होता है। तो एक चम्मच तेल हम चारों तरफ फैला लेंगे, इसे चारों तरफ फैला लें। इस तरीके से उसके बाद आपको बैटर को धीरे धीरे इसमें डालना है। ध्यान रहे फ्रेंड, आपका तवा जो है बिल्कुल गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें बैटर को मिलाएंगे। थोड़ा ज्यादा हम मिलाएंगे, उसके बाद ही फैलाएंगे। फ्रेंड्स अगर बच्चे एक भी ये चिल्ला, जिसे हम बोल सकते हैं एक भी चिल्ला, अगर ये खा लेंगे तो ये बहुत ही प्रोटीन होता है। और मेरे बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो करीब 2 या 3 इसे खा लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसे फैला दें। अब इसे हम पकाएंगे थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसे ढक देना है एक थाली की सहायता से, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद करीब 2 मिनट बाद फिर हम इसे देखेंगे पका है कि नहीं। तो इसे हम चारों तरीके से देख लेंगे। ये देखिए खुद पर खुद ही पलट जाएगा अगर आप इसे ढक कर पकाएंगे। इसे पलट ले, देखिए इसका रंग कितना सुनहरा आया है। इसे पलट ले और फिर से इसे हम ढक देंगे और इसे फिर से 2 मिनट करीब पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चिल्ला हमारा बनकर रेडी है। बिल्कुल ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ। बहुत लोग इसे सॉस के साथ खिलाते हैं, मैं सॉस प्रेफर नहीं करती। मैं हरे धनिया की चटनी बनाती हूँ और चटनी के साथ बच्चों को देती हूँ। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से आपको दोनों तरफ से सेकना है और इसे चटनी के साथ सर्व करना है। तो इसे मैं सर्व करूंगी चटनी के साथ। तो फ्रेंड देखिए कैसा लगा है आपको वीडियो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको प्रत्येक रविवार को मैं देती हूँ। आप सप्ताह में 2 बार बच्चों को दीजिए। जो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं वो जरूर इसे खाएंगे, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।